सबसे पहले अपना टाइम एफिशिएंसी मैनेज करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही यही है। ठीक है, आपको पेपर हार्ड नहीं आने वाला, सच में बता रहा हूँ, पेपर इजी ही आता है। सिर्फ इतना सा फर्क रह जाएगा कि आप कितनी स्पीडली क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन होंगे और टाइम ही नहीं बचा तो क्या करोगे, तो फिर तब रह ही जाएगा, बस वहीं पे एक चोट होगी आपकी और कहीं नहीं। इसलिए ना आपको दिमाग भी लगाना ज़रूरी है कि मुझे किस तरह से उसको मैनेज करना है। जाके पहले मैं बायो में मेरे फेवरेट कौन सा है, बॉटनी है, जॉलॉजी, उसको सोल्व करूँ, फिर मैं केमिस्ट्री करूँ, लास्ट में फिजिक्स करूँ, और बायो को और केमिस्ट्री को मैं तुरंत फटाफट से करूँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, ताकि मुझे फिजिक्स में ज़्यादा टाइम मिल सके। तो इस तरह से पेपर को, और कभी पहले फिजिक्स मत उठाओ, मेरा ऐसा पर्सन बिलीव है, क्योंकि क्या होगा फिजिक्स का पेपर उसमें न्यूमेरिकल होते हैं, कहीं कुछ गलत हो गया तो आप मोरल डाउन हो जाएगा। पहले बायो उठाओ, सबसे पहले बायो ही करो, उसमें जो भी आपको पोर्शन अच्छा लगता है, आपका स्ट्रॉन्ग है जियोलॉजी बॉटनी, उसको करो, फिर केमिस्ट्री पर आओ और इनको जल्दी निपटाओ, ताकि फिजिक्स में ज़्यादा टाइम मिले, क्योंकि फिजिक्स में आपको ज़्यादा टाइम चाहिए। समझ में आया? तो एफिशिएंसी मैनेज करनी बहुत ज़रूरी है। ट्राई टू सोल्व मिनिमम वन पेपर पर सब्जेक्ट। आप एक बार काम करो, कोशिश करो कि आप एक पेपर हर सब्जेक्ट का सोल्व करो बैठ के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना ज़्यादा सोल्व करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा।